अक्सर आपने सुना होगा जब भी किसी के सीने में दर्द होता है तो वो गैस का दर्द होता है या हार्ट अटैक होता है, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है। वेल, आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। तो कई ऐसे केस हुए हैं जिनमें सीने के दर्द को एसिडिटी का मानकर इग्नोर कर दिया गया है, वो हार्ट अटैक निकला। दरअसल बहुत से लोग हार्ट अटैक और गैस के दर्द में फर्क ही नहीं समझ पाते हैं, जिससे उनको और उनके परिवार को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आपकी भी छाती में दर्द होता है और आपको भी गैस के दर्द और हार्ट अटैक के दर्द में फर्क महसूस नहीं हो रहा है तो आप सही जगह पर हैं। ऐसे में जानते हैं कि इसका किस तरह से पता लगाया जा सकता है कि आपके सीने का दर्द किस वजह से हो रहा है, ताकि सही समय पर आपको सही इलाज मिल सके। जिसे आप गैस वाला दर्द कहते हैं उसे हार्ट बर्न भी कहा जाता है, लेकिन इस दर्द का हार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल ऐसे पेट में किसी प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, इसे एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि खाने को बचाने के लिए बॉडी से कुछ एसिड निकलते हैं और जब ये एसिड ज़्यादा निकलता है तो पेट की मसल्स को दिक्कत होती है और इससे सीने में दर्द उठता है, हार्ट वाला दर्द। तो हार्ट अटैक वाला दर्द सीने में दर्द होने की वजह से यानी किसी दिक्कत की वजह से होता है। दरअसल हार्ट एक पंप की तरह काम करता है और बॉडी में खून को पंप यानी कि सर्कुलेट करने का काम करता है, और आप जानते ही हैं कि बॉडी के लिए खून कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे में हार्ट को काम करने के लिए खून की ज़रूरत होती है और ये काम आर्टरी करती है। कई बार हार्ट की आर्टरी में रुकावट की वजह हार्ट की मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है, जिस वजह से एंजाइना और सीने का दर्द होता है। तो चलिए आपको बताते हैं हार्ट बर्न और हार्ट अटैक के कुछ लक्षण, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको सीने का दर्द है या फिर गैस का दर्द। हार्ट बर्न में जो सिम्टम्स होते हैं वो सीने में जलन होने लगती है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है और ये दर्द सेंटर में आपकी चेस्ट में होता है। दिक्कत खाना खाने के तुरंत बाद होता है या खाली पेट होता है। वहीं इसके क्या कारण हो सकते हैं, वो एसिड बनना इसका सबसे बड़ा कारण होता है। रिस्क फैक्टर, स्पाइसी खाना, स्मोकिंग ज़्यादा करना, चाय, कॉफ़ी, शराब ज़्यादा पीना, ये इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। और आपको आराम कैसे मिलेगा, आप पानी जितना पियेंगे काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, ठंडा दूध पी सकते हैं जो आपकी एसिडिटी को कम करेगा। और इससे बीमारी की जो संभावनाएं बनती हैं वो होती है आपकी गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि हमने कहा कि एकदम से गैस का दर्द उठना शुरू हो जाता है। और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, अपने पेट को खाली ना रखें, लगातार कुछ ना कुछ खाते रहें, थोड़ा थोड़ा कम कम पोर्शन में खाते रहें, और रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें जैसे कि ज़्यादा शराब, सिगरेट, ये सब ना पिए। और इसका इलाज ये है कि आप किसी फिजिशियन से कंसल्ट भी कर सकते हैं, और इंडोस्कोपी इसका एक टेस्ट होता है वो भी आप ज़रूर करवाएं अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो। वहीं अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, बिल्कुल भी डिले मत करें। और हार्ट अटैक के दौरान आपको कैसा महसूस होता है, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, आपके सीने में बाई तरफ दर्द होता है और सीने में काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है, इस वजह से बाएं हाथ और बाएं कंधे में भी दर्द महसूस होता है। साथ ही मरीज़ को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है और काफ़ी पसीना आता है। इसके रीज़न यानी कि कारण क्या हो सकते हैं, हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज होना सबसे बड़ा कारण होता है हार्ट अटैक का। रिस्क फैक्टर आपके हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओवरवेट या फिर जो ख़राब लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये इसके रिस्क फैक्टर हैं, आप इनको अवॉइड कीजिए। आपको आराम कैसे मिल सकता है, आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस में रखिए। और इससे बीमारियाँ क्या क्या हो सकती हैं, हार्ट अटैक सबसे बड़ी बीमारी है जो खुद ही हार्ट अटैक है, और हार्ट फेलियर हो सकता है। साथ ही किन बातों का ध्यान आपको रखना है, टाइम टाइम पर हार्ट चेकअप कराना है, रिस्क फैक्टर जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि लाइफस्टाइल को बैलेंस रखना है, उसको भी ध्यान में रखें। इसके इलाज में आप सीने की जांच करवा सकते हैं, एंजियोप्लास्टी करवा सकते हैं, बाईपास सर्जरी जो हार्ट के लिए की जाती है जब आपको हार्ट अटैक आता है, लेकिन उससे पहले आप अपने दिल का चेकअप करवाते रहें ताकि ये सर्जरी आपको करवानी ही ना पड़े। अगर बार बार आपको ये दिक्कतें हो रही हैं तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, बिल्कुल भी डिले ना करें।
तो चलिए, आपको इस वीडियो से ये तो क्लियर हो गया होगा कि सीने का दर्द और गैस का दर्द क्या होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हो या फिर सजेशन देना चाहते हो तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और NBT लाइफ को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन ऑल्सो।